बाद इटावा के कस्बा जसवंत नगर में वीएसजी फार्म वेलैया मठ के पास पर संतोष बर्तन वालों के द्वारा श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वृंदावन से पधारे मधुर सरस कथावाचक डॉक्टर हरिकृष्ण शास्त्री शरद ने पांचवें दिन राम और कृष्ण की जन्म लीलाओं की कथाओं को सुना और पंडाल में पधारे समस्त स्त्री और पुरुषों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही कृष्ण जन्म पर एक बहुत ही सुंदर झांकी वाला रूप भी निकाला गया। जलौन से खबर सामने आई है, जहां निर्मम तरीके से मां की हत्या कर शव को गड्ढे में दफनाने वाले हत्यारे को उसके कर्मों की सजा मिली। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुनाई, हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वहां पर मां और बेटा दो ही व्यक्ति परिवार में थे, एक साथ रहते थे। आर्थिक बोझ मां को समझकर पुत्र ने मां की हत्या कर दी घर के सिलबट्टे से और मां खोद कर उनके शव को जमीन में गाड़ दिया। पुलिस ने अभियुक्त की निशानदेही पर शव को रिकवर किया। ये वर्ष 2019 का मामला है और वर्तमान में ये एफटीसी जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की का न्यायालय है, उसमें मोहम्मद कवर साहब पीठासीन अधिकारी हैं, उन्होंने इसमें सजा सुनाई है और अभियुक्त को आजीवन कारावास और 15,000 रुपए का अर्थदंड से उसे दंडित किया है। आखिरकार एक बेटे को उसकी कर्मों की सजा मिली है। दरअसल 2019 में जनपद जालौन के कालपी क्षेत्र के पुराना आलमगीर में एक बेटे ने अपनी मां की सिलबट्टे से कुचल कर निर्ममतम हत्या कर दी और हत्या करने के बाद शव को घर में ही जो है खोद कर काट दिया। हालांकि उसके रिश्तेदारों द्वारा जब पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को बाहर निकाला गया था और निकालने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज उस पर सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस पर सजा सुनाई है, हत्यारे बेटे को चार जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 15,000 रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया है। यानी 2019 से लेकर 2023 में चार साल में ही फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उस बेटे को यानी उस हत्यारे बेटे को उसके कर्मों की सजा सुनाई है। कालपी थाना अंतर्गत कौशाम्बी के मंजनपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत पारा हसनपुर में गांव में घुसते ही लगभग 100 मीटर रोड ताल तलैया बनी हुई है, जिससे गांव के लोग निकलने में असमर्थ है। वहीं बच्चों को सब पढ़े सब बढ़े का नारा देने वाली सरकार नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पारा हसनपुर के बच्चे स्कूल जाने वाली रोड में पानी भरे होने के कारण नहीं जा पा रहे हैं और ये बारिश के कारण ही नहीं गर्मियों के दिन में भी पानी भरा रहता है। आखिर सवाल ये है कि सड़क को ग्राम प्रधान साफ सुथरा नहीं रख पा रहे हैं। गाजियाबाद में आबकारी विभाग ने 13 करोड़ रुपए की शराब को नष्ट कर दिया। ये शराब डासना स्थित वेयर हाउस में जमा की गई थी। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वेयर हाउस है। शराब को वेयर हाउस के अंदर रोलर चलाकर पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक आबकारी विभाग ने पूरे गाजियाबाद से 2019 से 2020 के समय की पुरानी शराब को अपने डासना स्थित वेयर हाउस में रखा था। आबकारी विभाग ने इस पुरानी शराब को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। बता दें शराब की कीमत लगभग 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये शराब होती है वो शराब जो शराब की दुकानों और फैक्ट्रियों में मौजूद होती है, उसकी बिक्री नहीं हो पाती है। इसका एक्सपायर होने के बाद आबकारी विभाग की तरफ से शराब को जब्त कर लिया जाता है और अपने वेयर हाउस में रखा जाता है। विभाग से अनुमति मिलने के बाद शराब को नष्ट कर दिया जाता है। डिस्पोजल किया जा रहा है, कैसी शराब है और कितनी शराब है, कितनी मात्रा में और कितनी कीमत की है? ये शराब जो है अवैध नहीं थी, वैध थी, लेकिन विगत वर्षों की है जिसकी बिक्री मार्केट में नहीं की जा सकती है, इसलिए इसका दुरुपयोग नहीं, इसलिए इसको नष्ट कराया जा रहा है। इसकी बाजार में कीमत लगभग 13 करोड़ है। कितनी कीमत से शुरुआत है और कितनी कीमत तक की शराब बोतल है? अब इसमें जो है 600-700 रुपए एक बोतल से लेकर 1500 रुपए एक बोतल है। कितनी कीमत? 9,500 रुपए की। 13 करोड़ रुपए की लगभग शराब है जो नष्ट हो रही है। डिस्पोजल किया जा सकता है ये जो अभी पानी।
रायबरेली में दर्दनाक हादसा हुआ। तालाब में नहाते समय गहरे पानी में जाने से चार मासूम बच्चे और एक बच्चे सहित पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मामला गदागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंगता डेरा मजरे बासी रियासत गांव का है। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारियों ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया। वहीं सभी के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। राजस्व कर्मियों के द्वारा मृतक के परिजनों को मुआवजे का ऐलान दिया गया। सूचना ये जो अभी पानी यहाँ जमा हुआ है तालाब में, वो खेलने गए थे और वहाँ पे एक बच्चा डूबने लगा। उसको एक लड़की ने बचाने का प्रयास किया और उसमें क्योंकि मिट्टी बहुत भुरभुरी थी तो कई बच्चे उसके चपेट में आ गए। वो रोज़ खेलते थे लेकिन आज पता नहीं कैसी घटना हो गई। बहुत ही हृदय विदारक घटना है और यहाँ से हम लोगों ने बच्चों के शवों को यहाँ भिजवा दिया है। प्रयास कर रहे हैं कि जिनका जो भी प्रोसीजरल किसी तरह का कोई डिले ना हो और जो भी उनको सरकारी सहायता इस दुख घड़ी मिल सकती है वो देने का प्रयास किया जाएगा। सूचना ये जो अभी पानी यहाँ जमा हुआ है तालाब में, वो खेलने गए थे और वहाँ पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मथुरा के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर और पुलिस अधीक्षक अपराध के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी रिफाइनरी के निकट परिवेक्षण में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु वांछित और पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना फरा पुलिस और स्वाट टीम मथुरा ने 22 वर्ष से हत्या सहित डकैती के मुकदमे में वांछित चल रहे 25,000 रुपए के पुरस्कार घोषित अभियुक्त विकास को मुखबिर की सूचना पर आगरा मथुरा रोड से गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद में विधिक कार्रवाई अमल में अब लाई जा रही है। जनपद की स्वाट टीम और थाना फरा की टीम ने एक शानदार सफलता हासिल की है जिसमें 22.5 वर्षों से फरार अपराधी विकास जो डकैती विथ मर्डर के केस में वांछित चल रहा था उसके 25,000 का इनाम था जो मूलतः जनपद सारण बिहार का रहने वाला था उसको गिरफ्तार किया है। अभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। वर्ष 2000 में इसके द्वारा एक ट्रक लूट की घटना कारित की गई थी। कुल 13 अभियुक्त थे जिन्होंने ये डकैती की थी। उस ट्रक में रेफ्रिजरेटर और LED थी। इन अपराधियों ने उसे लूटा तथा ड्राइवर को मार करके ये फरार हो गए थे। घटना उस समय वर्कआउट हुई। शेष जो 12 अभियुक्त थे वो गिरफ्तार हो गए थे। ये अकेला उस समय से फरार चल रहा था जिसपे 25,000 का इनाम था। इस इनामिया को गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा जा रहा है। इसकी ट्रायल की मॉनिटरिंग करके इसको कठोरतम सजा दिलाने का पुलिस टीम प्रयास करेगी। मामला जालौन के थाना कुड़ौत के जालौन औरैया हाईवे के सामने से सामने आया है जहां पर शासकीय प्रबंध के बाद भी जनपद जालौन में अवैध मछली आखेट जारी है। बता दें कुड़ौत पुलिस द्वारा मछली की गाड़ी पकड़ने पर मत्स्य विभाग का खेल पकड़ा गया। मछली ठेकेदार गंभीर सिंह ने मत्स्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। मीडिया के सामने कुछ भी कहने से मत्स्य अधिकारी बचते हुए नजर आए। जिला जालौन के अंदर धुआंधार चल रहा है। क्या मामला, क्या नाम मामला है? मेरा नाम है गंभीर सिंह निषाद। मतलब मैंने अभी ठेका चला रहे थे करमखा में। ठीक है पैसे मतलब रात को पहुंचता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कमाई तो है नहीं अपनी जो पैसा पहुंचता रहे। पैसा नहीं तो गाड़ी पकड़ी जा रही है। अरे सीधा बोल दो ना जिले में काम नहीं हो। DM साहब को अवगत कराया जाए करने के तरीके से काम होता है। DM साहब से बात कर लेंगे। आज घटना क्या हुई है? आज घटना वही है। एक विजय बाबू है। जब आपने कहा मुझे रुपया दो 30,000 रुपये महीना, मना कर दिया साहब इतना पैसा नहीं है तो उठा के गाड़ी पकड़ के यहाँ खड़ी करवा दी। विजय बाबू ने किसके कौन कौन पैसा लेता है? पूरा मत्स्य विभाग। ऐसा कोई नहीं है जो मत्स्य विभाग में जो पैसा ना ले। क्या नाम है आपका? बांदा में एक वृद्ध का शव छत विषत हालात में खेत में मिला। जानकारी के होने पर पुलिस ने परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों ने वृद्ध की हत्या कर शव फेंके जाने का आरोप गांव के ही लोगों पर लगाया है। इस मामले में क्षेत्राधिकारी नगर का कहना है कि पुलिस को सूचना मिली है जिसकी सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप गांव के ही कुछ लोगों पर लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? राम मिलन। कहाँ के रहने वाले? जारी। मृतक कौन थे आपके? मेरे पिता। क्या नाम था इनका? किस्मा। क्या घटना हुई, कैसे इनकी डेथ हुई है?
ये सुबह 6 बजे धान की बेल ताकने की रखवाली करने के लिए गए थे और 3 लोग फिर इनके इसके बाद फिर गए हैं, लगभग जो है 12 बजे के पहले गए हैं, 9-10 बजे के आसपास। तो शराब पिलाया है उनको 3 लोगों ने, एक पहले चला आया है, 2 लोग बाद तक रहे हैं। फिर एक ने कहा है कि 6-7 ठुकुआ पिलाया है, अब पसरा पड़ा है खेते में, तो वही लाऊं को लावा ना लाऊं को ना लावा, ऐसा जो है उसने कहा है। शराब एक ठाकुर रहा है और 2 प्रजापति रहे। नाम क्या है उनका? एक का नाम पिंकू अजय सिंह है और दूसरे का नाम सुकुर हुआ, तीसरे का नाम महिपाल है। इन लोगों ने पिलाया या कोई विवाद रहा या कोई रंजिश? विवाद कुछ नहीं रहा। क्या कोई जमीन को लेकर कोई आपस में विवाद चलता रहा? नहीं, जमीन वमीन को लेकर के कोई विवाद नहीं रहा। इनके कुछ तार हमारे पास थे तो तार के लिए ये लोग परसों आए हैं हमारे घर बड़े भैया के, तो कहा है कि मेरे तार दे दो। तो हमने ये कहा है कि जो अगर तार जो है वहाँ रूंधे होंगे तो दे देंगे, नहीं तुम्हारी नई ला करके पूरे तार का बंडल देंगे। कर अगर 25 किलो थे तो 35 किलो बता रहे थे, तो हमने ये कहा है कि 35 किलो की बजाय हम 40 किलो दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या लगता है किसी लिए हत्या हुई है, कारण क्या इसका? कारण इसका यही हो सकता है। आप लोगों को क्या जानकारी मिली? हमें तो यही लगा कि शराब पिलाने के बाद फिर जो है उनकी हत्या की गई है, क्योंकि उनके शरीर पे जो घाव के निशान है वो किसी जानवर के काटे हुए नहीं लगे। अगर जानवर काटता तो पूरी चमड़ी ऊपर तक उछल करके आती, जैसे चाकू से काट करके जो है वो निकाला गया हो मांस, ऐसे जो है देखा है निशान उनके, जाल में जो है पूरा मांस निकला हुआ है, यहाँ की हड्डी बस बची हुई है, होंठ का कहीं पता नहीं है, यहाँ के जो बाल हैं वो पूरे जो है पूरी चमड़ी उधल करके जो है कुछ तो वहीं पड़ी रही है, खून 2-3-4 जगह पड़ रहा है, मेहर से घसीट करके खेत में पड़े रहे हैं। जब हम लोग गए हैं वही 7:15 बजे के आसपास, तो हुआ क्या है कि हम लोगों ने देखा है तो पूरा मृत अवस्था में हम मिले हैं। सर, थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत एक शव मिला है, क्या है पूरा मामला? कल रात थाना कोतवाली देहात पुलिस को मृतक के परिजनों के द्वारा सूचना दी गई थी कि खेत में सब पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस फील्ड यूनिट और मैं स्वयं मौके पर पहुंचा। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। मृतक के नाती अजय के द्वारा बताया गया कि जब मैं खाना लेकर आया तो बाबा के साथ गांव के ही 3 अन्य व्यक्ति मदरा का सेवन कर रहे थे। वो 3 व्यक्ति पहले चले गए, उसके बाद शाम को 5 बजे के लगभग मैं भैंस लेकर गांव जा रहा था। मैंने बाबा से गांव चलने के लिए कहा तो बाबा अत्यधिक नशे में होने के कारण गांव नहीं गए। मृतक का नाम किसना, पुत्र भौमिया प्रजापति, उम्र लगभग 75 वर्ष, ग्राम जारी है। प्रथम दृष्टया सबको देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जंगली जानवरों के द्वारा हमला किया गया है, क्योंकि सबसे बाजू और जांग में कई जगह मांस नहीं है। बॉडी को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम। खबर सूरत से है जहां प्रेम प्रसंग का अनोखा मामला देखने को मिला है। बता दें कि वराछा पाटीचाल में एक युवक 6 महीने से युवती के साथ नरसिंह मंदिर के टेकरा पाटीचाल में रहता था। वहीं युवती का प्रेम संबंध पहले एक आरोपी के साथ था, जिसके चलते आरोपी नरसिंह मंदिर के टेकरा पर रहने वाले युवक के घर चाकू के साथ पहुंचा और युवती को अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगा और युवक के मना करने पर आरोपी ने उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया और युवती को चाकू दिखाकर उसका अपहरण कर लिया गया। वहीं युवक को चाकू लगने से उसकी हालत गंभीर देख स्थानीय लोगों द्वारा तुरंत अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसकी शिकायत वराछा पुलिस को मिलते ही वराछा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपराधी को कुछ ही घंटों में पकड़ने में कामयाबी हासिल की। वराछा पुलिस स्टेशन में पार्टी चल करके एक विस्तार है, जिसमें चिराग उर्फे लुलू का नाम का एक लड़का रहता था, उसके साथ पूजा नाम की एक लड़की भी रहती थी। तो
चौक बाजार से अनीस नाम का एक लड़का आया और उसने 5 तारीख को सुबह में 9 बजे के आसपास उस चिराग के घर पे गया और चिराग को छरी के 2 घा मारे, एक पेट के अंदर और एक छाती के नीचे, और उसके साथ जो लड़की थी पूजा उसको वो उठा के ले गया, उसको जो उठा के ले गया था और उसके साथ मुद्दा माल भी था, छुरी भी थी, तो वो लड़की को भी डरा के धमका के ले गया था। तो हमारे वराछाप पुलिस इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने वो अनीश को भी पकड़ लिया, उसके साथ जो छुरी थी उसको, जिस छुरी से उसने मर्डर किया था वो छुरी भी ले ली, और जो पूजा नाम की लड़की थी उसको भी उसने उसकी चंगल से छुड़ा लिया। चिराग के साथ ये पूजा है जो रहने आई थी उसकी अदावत में अनीश ने चिराग का मर्डर कर दिया।